हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम क्लास सिक्स के मैथ्स के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के बुक की पीडीएफ आप सभी को पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है, जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। और जब आप बुक की पीडीएफ खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में आपका यूनिट वन नहीं होगा, स्टार्टिंग में जब आप उसको खोलेंगे तो आपको क्या है आंसर शीट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्रॉल कर लेंगे और पेज नंबर 37 पे जब आएंगे तो वहाँ से आपका यूनिट वन क्या है आपको मिलेगा। तो आप पीडीएफ कर सकते हैं और साथ में वीडियो जो लेक्चर है इसमें आपको ये दिखेगा ही है ना। तो जो यूनिट वन है पहला वो क्या है, नोइंग ओवर नंबर है। नंबर के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। नंबर के बारे में हमको क्या करना है, जानना है कि नंबर क्या होते हैं, है ना। तो देखिए टेक ऑफ में लिखा है You know that the largest 5 digit number is 99,999. If you add 1 to it, you get the smallest 6 digit number. तो ये क्या बोल रहा है कि यदि हम 5 digit के largest number में plus 1 कर देंगे तो 6 digit का हमको क्या है smallest number क्या है मिल जाएगा, है ना। और इसको किसी example से हम समझ सकते हैं। तो example ऐसा है कि यदि हम है ना वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लें, तो वन हम डिजिट मतलब जहाँ पर डिजिट क्या होता है ये भी आप जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने क्या लिखा सिक्स, है ना, तो ये क्या है डिजिट है। फिर मैंने लिखा टू, ये भी क्या है डिजिट है। लेकिन यदि इसी की जगह मैं क्या लिख दूँ 64, तो 64 क्या है नंबर है ना। तो डिजिट्स को मिला करके ही हम क्या करते हैं नंबर क्या है फॉर्म करते हैं। तो यदि मैं बोलूँ कि वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा नाइन होगा, क्योंकि नाइन है ना लार्जेस्ट हो गया। अब इसके बाद टेन लिखते हैं तो टेन में कितने डिजिट हैं, टू डिजिट हैं, तो ये तो टू डिजिट नंबर हो गया, है ना। तो वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर नाइन। तो जब भी हम किसी डिजिट के लार्जेस्ट नंबर के साथ प्लस वन करते हैं तो हमको उस डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मिलता है। जैसे नाइन प्लस वन किया तो टेन, तो ये क्या हो गया टू नंबर का क्या हो गया स्मॉलेस्ट क्या है डिजिट हो गया, है ना। तो ऐसे ही टू नंबर का लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा, तो टू नंबर का लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा 99। अब इसमें प्लस वन करूँगा तो कितना जाएगा 100, और 100 कितने डिजिट का हो गया थ्री डिजिट का। तो ये क्या हो गया थ्री डिजिट का क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो वही बता रहे देखिए कि 99,999 प्लस वन किया तो सिक्स डिजिट का क्या मिल गया आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। फिर इसके बाद लार्जेस्ट फाइव डिजिट, इसके बाद देखिए लार्जेस्ट सेवन डिजिट नंबर यहाँ लिखा है, इसमें प्लस वन किए तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एट डिजिट मिल गया। तो ये नंबर के बारे में क्या है आपको बताया हुआ है ना। तो ये सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको ध्यान से रखेंगे। वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, टू का क्या है, थ्री का क्या है, फोर का क्या है, फाइव का क्या है, और लार्जेस्ट नंबर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसके पहले प्लेस वैल्यू के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें वंस टेंस और हंड्रेड्स तक आपने शायद है ना पढ़ा होगा। तो देखिए दिया है द सिस्टम शो एबव द नोन एज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन टू रीड और राइट लार्ज नंबर इन अ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरियन वी मे फॉलो द प्लेस वैल्यू चार्ट एज फॉन बिलो। तो जब हम क्या करेंगे है ना, किसी भी नंबर को क्या करेंगे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए एक इंडियन सिस्टम होता है जिसको हमको क्या है पढ़ना है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा है ना। तो देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड है, फिर यहाँ पर क्या है थाउजेंड है, फिर टेन थाउजेंड है, फिर लैख है, टेन लैख है, करोड़ है, और फिर यहाँ पर टेन करोड़ है। तो जब भी हम किसी नंबर को है ना, तो याद रखेंगे मैथ्स में जैसे हमने लिखा टू वन फोर, तो हम इसको कितना पढ़ेंगे 214, 214। लेकिन जब हम इसको अरेंज करते हैं मैथ्स में तो हमेशा हम किधर से अरेंज करते हैं, किधर से है ना, यहाँ फोर ये आ गया वंस में, ये आ गया टेंस में, ये आ गया हंड्रेड में, है ना। तो आपने इसको फिफ्थ में पढ़ा भी होगा कि वंस प्लेस क्या होता है, टेंस प्लेस क्या होता है, हंड्रेड प्लेस क्या होता है। तो आगे इसी को क्या किया है सिक्स क्लास में थोड़ा सा है ना आगे बढ़ाया है कि वंस के बाद टेंस आया, फिर यहाँ हंड्रेड आया, फिर थाउजेंड आया, फिर टेन थाउजेंड, फिर लैख, फिर टेन लैख, फिर करोड़, फिर टेन करोड़, है ना। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे है ना, तो देख लिखा है क्या फाइव करोड़। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो फाइव करोड़, फिर क्या लिखा 42 लाख, है ना 42 लाख। तो फोर और टू साथ में है ना, 42 और फिर कौन सा नंबर आया लाख। फिर हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया 29, और फिर क्या करेंगे ये
थाउजेंड, तो इस तरीके से पढ़ेंगे, और 371, ठीक है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरे में क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए पूरा 10 करोड़ तक है, तो क्या पढ़ेंगे 27, और फिर क्या पढ़ेंगे करोड़, है ना। ये नहीं करेंगे कि 10 करोड़, ऐसा नहीं, 27 और फिर करोड़, फिर क्या होगा 33 लाख, है ना, 33 लाख, फिर क्या होगा 17,000, फिर क्या होगा 46, है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप एक चीज़ और यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब 100 से यहाँ लिखाया हुआ है ऊपर में, आप देखिए ये 100, फिर ये 1000, फिर ये लाख और करोड़। तो 100 में देखिए आपको 3 दिख रहा होगा, वंस, टेंस और 100, 1000 में 2 ही दिख रहा है, 10,000 और 1000, लाख में 2 ही दिख रहा है, 10 लाख और लाख, और करोड़ में भी 2 दिख रहा है, 10 करोड़ और करोड़। तो जब भी आप इंडियन सिस्टम में, है ना, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं 2567891, तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड से इधर बढ़ेंगे और 3 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, कॉमा, तो 1 2 3 यहाँ कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, है ना। तो देखिए 3 नंबर मतलब वंस, टेंस, 100, ठीक है, 3 नंबर था यहाँ, फिर 1000 में 2 है तो कॉमा लगा दिए हैं, 1 2 नंबर आया, फिर कॉमा लगा दिए, फिर लाख में पहुँच गए। जैसे यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा होगा ना कि कॉमा किस तरीके से इसमें क्या किया है, लगाया हुआ, पहले 3 नंबर के बाद है, फिर 2 2 नंबर के बाद क्या किया है, कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इंडियन सिस्टम हो गया कि इंडियन सिस्टम में हम कैसे वैल्यूज़ को रखेंगे और कैसे वैल्यूज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको प्लेस वैल्यू तो निकालना सबको आता ही होगा, है ना, यदि नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा 6254, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है 6254, तो वंस प्लेस का मतलब ये जो 4 है इसको क्या करना है हमको, 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 है टेंस प्लेस में, टेंस मतलब 10, ठीक है, तो ये हो गया 10 से, है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 100 से, ये क्या हो जाएगा 1000 से, है ना। तो कोई भी नंबर दिया रहेगा ना और पूछेगा इसका प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे आपको कोई नंबर दिया 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर दे दिया और आपसे पूछ रहा है 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप इधर से काउंट करें कौन से प्लेस में है, वंस, टेंस, 100 1000 10000, तो 4 को क्या करेंगे आप 10000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या है आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 से, इसको 10 से, इसको किस से 100 से, इसको 1000 से, और इसको 10000 से, तो इस तरीके से आप क्या सॉल्व करेंगे, है ना। और ध्यान में रखेंगे इसमें एक और चीज़ है ना कि यदि कोई नंबर लिखा जैसे, है ना, 2045, ऐसा कुछ नंबर दे दिया है ना, तो अब याद रखेंगे कि ये नहीं करेंगे कि ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, और 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और ये 100 हो जाएगा, तो नहीं, ये क्या है 100 पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है। तो जब भी आप करेंगे तो इसको 0 को भी ध्यान में रखेंगे, और 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 ही क्या है होता है ना, ये सब आपको पता होगा, है ना। तो प्लेस वैल्यू है ना इस तरीके से निकालते हैं। अब आगे देखिए हम क्या देख रहे हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स, है ना। तो अभी तो हमने इंडियन सिस्टम में देखा कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये इंटरनेशनली सिस्टम में, है ना, आपने पर देखा भी होगा, तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए क्या है, तो ये भी वैसे ही है, यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100 तक सेम है, फिर 1000 और 10000 तक सेम है। अब इंडियन सिस्टम में 10000 के बाद क्या आता है, लाख आता है, लेकिन यहाँ पर कितना आता है, 100000 आता है, फिर 100000 के बाद इधर क्या आएगा, देखिए मिलियन में आ गया, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन में बिलियन और 10 बिलियन, ठीक है। तो आप देखिए है सेम चीज़, बस क्या है इंटरनेशनली सिस्टम में इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना, तो कुछ नंबर तक तो सेम है, जैसे 10000 तक तो ये सेम है, लेकिन फिर आगे ये यहाँ पे चेंज हो गया है ना। इसके बाद है ना, जैसा हम क्या करते थे इंडियन सिस्टम में वैल्यूज़ को पढ़ते थे, वैसे ही है ना हम क्या करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में भी वैल्यू को क्या है पढ़ेंगे। जैसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 52 है, तो 52, ठीक है, पहले 52, अब देखिए सबसे लास्ट में क्या, मिलियन, तो मिलियन, 10 मिलियन में 5 है, लेकिन 10 मिलियन नहीं पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे 52 मिलियन, फिर क्या होगा 125,000, ठीक है, वही क्या 52 मिलियन, 125,000, फिर क्या होगा 680, ठीक है,
यहाँ पर देखिए फाइव कहाँ पे है, बिलियन पे है, तो क्या लिखेंगे, 5,633,000,000 है ना, वही लिखा 5,633,000,000, 292,580। इस तरीके से हम इंटरनेशनली सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं जैसा इंडियन सिस्टम में करते हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल दिया है, एग्जांपल क्या लिखा है, 63,509 ये लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे है ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है ना, और इसके बाद नीचे देखिए और क्या लिखा है ना, ये पूरा लिखा हुआ वर्ड्स में इसको आपको लिखना है, 2,386,405 ये आपको लिखा हुआ है ना, आपको क्या लिखा वर्ड्स में दिया है और आपको इसको नंबर में क्या करना है लिखना है। तो एग्जांपल दिया है कि आप इसको कैसे लिखेंगे, तो जब आपसे क्या होगा प्लेस वैल्यू अरेंज करते आएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इसका नीचे है ना एक एग्जांपल दिया है जिसमें देख रहे होंगे आप, ये इधर इंडियन सिस्टम है और यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम है और नंबर्स को क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 682 है ना, तो ये पूरा नंबर लिखा हुआ है इंटरनेशनल है ना, एग्जांपल है ना। तो देखिए है ना, यहाँ पर देखिए आप, देखिए इसको यदि हम क्या करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे इस नंबर को, ये जो नंबर यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल में, बिलियन को, ठीक है, तो दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा ये 5 बिलियन क्या हो जाएगा, 423,490,286। तो इंटरनेशनल सिस्टम इंडिया में क्या हो जाएगा, 542,34,19,286 है ना। तो ये पढ़ने है ना आपको, यहाँ पर ये बताया हुआ लिख करके और इसी में आपको ये एग्जांपल दे दिया है कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए दिया है स्टेप अप स्टेप डाउन है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन मतलब है ना, आप देखिए है ना कि यहाँ पर देखिए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों आपको दिख रहा होगा, तो करोड़ से जब हम क्या करेंगे 10 लाख में आएंगे, 1 स्टेप डाउन करेंगे है ना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से करोड़ के बाद क्या कर रहा है, 2 स्टेप डाउन तो लाख में, फिर करोड़ के बाद 4 स्टेप डाउन किया तो कहाँ पहुँच गया, 1000 में। इंटरनेशनल में 10 मिलियन से 1 स्टेप मिलियन, 1 मिलियन से 1 स्टेप तो 100,000, 100,000 से 10,000। ठीक है, कि एक एक स्टेप जब डाउन होते जाएगा है ना, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दिया एग्जांपल, फ्रॉम 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख, 1 स्टेप डाउन है ना। तो यदि हम एक स्टेप डाउन करें है ना करोड़ से लाख में, तो 1 करोड़ में कितना लाख होता है, देखिए यहाँ पर 1 करोड़ में कितना लाख हो गया, 10 लाख है ना, दिख रहा है 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख जब एक स्टेप डाउन किया है ना। अब 2 स्टेप डाउन करेंगे तो 1 करोड़ में कितना लाख होगा, 100 लाख होगा है ना, क्योंकि 2 स्टेप डाउन के मतलब 1 जीरो और बढ़ गया। 4 स्टेप डाउन के 1 करोड़ में तो कितना आ गया, 1000 है ना, तो कितना आ गया, 1000 है ना। तो ये देखिए 4 स्टेप डाउन के तो 1000। सेम ऐसे सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, इंटरनेशनल मिलेगा, 1 मिलियन से 1 स्टेप डाउन के तो 100,000 है ना, देखिए 1 मिलियन से नीचे आ गए तो 100,000, वही लिखा हुआ 100,000, देखिए 100,000, 2 स्टेप आए तो 100,000, 3 स्टेप आए तो 1000 है ना। ये आपको देखना है और आपको है ना लिखना है ना, ठीक है, कि ये किस तरीके से होगा है ना। चलिए, समझ में आया आप सभी को, चलिए आगे देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, आपको इसको है ना जो आपका टेबल दिया है उसको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर आपको नंबर्स है ना क्या है दिए हुए हैं और नंबर्स को आपको क्या करना है, इधर अरेंज करना है, ये सब नंबर को इधर अरेंज करना है और इधर नंबर नेम भी क्या है लिखना है। तो ये सब आपको नंबर दिख रहा होगा, इसको आपको अरेंज क्या है करना है। तो PDF है ना आप डाउनलोड कर लेंगे तो PDF में आपको ये नंबर मिल जाएगा और आप इसको रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे है ना। सेकेंड में देखिए ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं है ना, तो ये भी आपको लिखा है ना। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इंडियन सिस्टम, प्लेस वैल्यू लिखना है जितने नंबर दिए हुए उन सबका। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू तो बन जाएगा क्योंकि आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। फोर्थ में क्या लिखा है, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर फॉर द फॉलोइंग, ये नंबर दिए हुए हैं और ये नंबर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना, या कह लो है ना ये क्या है ना
एक्सपेंड कर दिया कि इसको आपको नंबर में लिखना है। तो आप देखिए वंस प्लेस में क्या है, या है क्या लिखा है, टू इंटू वन, तो वन मतलब ये क्या बता रहा है, वंस प्लेस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ टू। फिर टेंस प्लेस में क्या है, देखिए एट, फिर यहाँ क्या जाएगा एट। फिर हंड्रेड प्लेस में क्या है, सिक्स, तो यहाँ जाएगा सिक्स। फिर थाउजेंड प्लेस में क्या है, टू, तो यहाँ जाएगा टू। टेन थाउजेंड में क्या है, फाइव, तो यहाँ क्या जाएगा फाइव, तो फिफ्टी, 2682। इसी तरीके से जितना और क्वेश्चन दिया हुआ एक्सपेंड किया है सभी को, और आपको क्या करना है, इसको नंबर फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बता भी दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, राइट ईच फॉलोइंग इन एक्सपेंडिंग फॉर्म। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है ना, जैसा फोर्थ क्वेश्चन में एक्सपेंड किया है वैसे यहाँ पर वैल्यू दी है, इसको इस तरीके से आपको क्या है, एक्सपेंड क्या है करना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ टू फाइव्स इन नंबर टू। ये जो डिजिट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, इस डिजिट में है ना दो फाइव आपको दिख रहे होंगे, एक ये फाइव है और एक ये फाइव है, तो इन दोनों फाइव का प्लेस वैल्यू निकालना है, और प्लेस वैल्यू निकाल करके इसका डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आगे देखिए दिया क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, और देखिए सेवन नंबर में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में पहले लिखना है, और इसको अरेंज करना है कि किस सहायता से हम सबसे स्मॉलेस्ट है सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं ना। एट नंबर में देखिए क्या लिखा है, इसको इंडियन सिस्टम में इसको आपको ये जो वैल्यू दी है इसको क्या है वर्ड्स में क्या करना है, लिखना है। नाइन्थ में इंटरनेशनल नंबर, इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में इसको लिखना है, ठीक है। कैसे लोग, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वंस टेंस, है ना, वंस टेंस थाउजेंड, फिर क्या टेन थाउजेंड, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे, वंस टेंस हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, फिर लैख, फिर टेन लैख, तो इसको क्या लिखे, एट्टी टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन। तो वैसे ही इसको आपको क्या करना है, वर्ड्स के फॉर्म में क्या है लिखना है। तो एट्थ में क्या है इंडियन सिस्टम में है, नाइन्थ में क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना, तो मिलियन और बिलियन के फॉर्म में नाइन्थ में लिखना है। इसके बाद देखिए क्या, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ मिलियन, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ करोड़। तो आपको क्या करना है, उस चार्ट को देखना है जो स्टेप अप स्टेप डाउन वाला है, और ये आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा, है ना, जहाँ पर वो क्वेश्चन सॉल्व किया, जहाँ पर मैंने बताया था, तो आप उसको वहाँ से देख लेंगे, ईजी है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट आपको पता है, और फाइव डिजिट का भी स्मॉलेस्ट पता है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। सेकेंड में क्या लिखा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाई यूजिंग डिजिट सिक्स वन फोर जीरो थ्री ओनली वन। सो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है, या जो नंबर दिए हुए हैं इसका यूज़ करके आपको क्या करना है, इस नंबर का यूज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या करना है बनाना है ना, और उसका फिर डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या इसमें से आप देखिए इसका, है ना, आप स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हो, देखिए पहले क्या लिखोगे वन, फिर ज़ीरो, फिर क्या लिख सकते हो थ्री, फिर फोर और फिर सिक्स, तो टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स। लार्जेस्ट क्या बन सकता है, तो लार्जेस्ट क्या बन जाएगा सिक्स फोर थ्री वन ज़ीरो। तो इस तरीके से आप ये छोटा और बड़ा नंबर बनाएंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। थर्टीन नंबर देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट्स। फोर डिजिट का आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें क्या हो तीन अलग अलग डिजिट का यूज क्या है किया जाए ना। तो फोर डिजिट का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है 1000, फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसका यूज़ आपको करना है और क्या बनाना है, तीन डिफरेंट डिजिट चाहिए आपको, है ना, और फोर नंबर का क्या है चाहिए, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए ना यहाँ पर कितना डिजिट है आपको, वन और जीरो दो डिजिट दिख रहा है, लेकिन आपको कितना डिजिट चाहिए, तीन, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या इसमें बना सकते हैं, देखिए, है ना, क्या लिख सकते हो वन, ना वन ज़ीरो ज़ीरो और टू। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और तीन नंबर का यूज भी हो गया, वन का यूज हो गया, जीरो का यूज हो गया और टू का, तो तीन डिफरेंट डिजिट्स थे, और फोर डिजिट का क्या बना लिया, स्मॉलेस्ट नंबर।
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, फोर डिफरेंट डिजिट। अब सेकंड में आपको फोर डिफरेंट डिजिट का यूज करना है, तो फोर डिफरेंट डिजिट मतलब 1, 0, 2 और 3, तो फोर डिफरेंट डिजिट हो। और क्या हो गया, फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या है नंबर, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग अ 3 डिफरेंट डिजिट। तो वो 5 डिजिट का आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है जिसमें 3 अलग अलग डिजिट का यूज़ क्या है किया गया हो, है ना।